तीन गोरखा हो गई हैं, मिल गई हैं साथ में। घर से तो मैं अकेला ही चला था, बट लोग रास्ते में मिलते रहे और साथ में चलते रहे। तो एस क्रॉस को हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा हो गई है तो एस क्रॉस जा नहीं पाएगी। बाकी हम तीन लोग, तीन गाड़ियाँ जा रही हैं, तीनों गोरखा हैं, 4x4। हम लांगजा जाने की कोशिश करेंगे। तो कल रात को गाड़ी बंद ऑन नहीं रखा था, तो विदाउट ऑन अभी स्टार्ट करने का ट्राई कर रहा है, देखते हैं स्टार्ट होगा या नहीं होगा। अभी का जो टेम्परेचर है, अभी का टेम्परेचर -8 है। ओके, हमने बाकी गाड़ियां तो बंद नहीं करी थी, BS3 BS4 नहीं बंद करी थी रात को। हमने पूरी रात गाड़ियां स्टार्ट रखी थी, बिकॉज हमको आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, पर टेम्परेचर कोई खास नीचे नहीं गया, -8 तक टेम्परेचर गया है। तो अब हम ये गाड़ी हमने बंद कर दिया था, ये पूरी रात कल शाम से बंद थी। यस, अभी हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो -8 में क्या बोलती है गोरखा, ये देखते हैं। सिंपल सिस्टम वही है, हमने गाड़ी का हीटर देखना है, जैसे हीटर जाएगा वैसे ही हम सेल्फ लगा देंगे। हीटर का वेट करना है। ओके, जैसे हीटर की लाइट जाएगी, अगर टेम्परेचर अभी भी -8 है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, गोरखा में -8 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें नई वाली जो गोरखा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर माइनस, जैसे लास्ट टाइम हम आए थे तो -30-35 था टेम्परेचर, उसमें हमको दो बार हीटर लगाना पड़ा। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सेल्फ मार के इसको स्टार्ट करें। अरे सही है, एक ही बार हीटर पे हो गया, सही है। वो जो साउंड है वो क्या है, थोड़ा वो थोड़ा सा रनिंग ले रही है। ओके ओके, सही है। अभी बर्फ तो देखो पूरा एक फिट का है। अभी क्या है, गाड़ी हाफ सेल्फ, टच किया और गाड़ी स्टार्ट होगी। -8 -20 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नई गोरखा है उसको -20 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब आप -20 से नीचे जाएंगे तब थोड़ा सा आपको डीजल फिल्टर को गर्म करना पड़ेगा स्टीम के साथ। ओके, आप इस गाड़ी के नीचे जो नई BS6 जितनी भी गाड़ी है उनके नीचे आग नहीं जला सकते, उनको गर्म पानी नहीं, गर्म पानी तो खैर बैड आइडिया है, गर्म पानी नहीं फेंकना होता है गाड़ी के ऊपर, स्टीम से गर्म करना होता है गाड़ी को। ओके, हम -30 में इसको स्टीम से गर्म करेंगे। ओके, डीजल फिल्टर को सिर्फ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए डीजल फिल्टर को स्टीम से गर्म करेंगे और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, हो गया है। अब हार्डली 1 मिनट में ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में। ओके सही, थैंक यू वेरी मच फॉर। सबसे पहले क्या करना है, ये जो क्लिप है इन दोनों को ये आ गया। अब चेन को सेट करना, आगे कर ले है, उसको कम रखना है, नजदीक नजदीक गाड़ियां चलानी है।
सेकंड आरटीपीसीआर निकाल दिया। रेत उड़ती है ना हवा से, उस तरह से सड़क पे रखना पड़ेगा बेटा। रेगिस्तान है, सफेद रेगिस्तान दिस इज गुड फाइट। जैसलमेर नहीं ले गए तो क्या हुआ? स्पीति आ गए। डेजर्ट देखने से मतलब था ना, और ऑफ रोडिंग करनी थी, वो भी हो गई। बस
एक्चुअली हम यहाँ पे लांगजा से हिक्कम की तरफ जा रहे थे, बट हमारे आगे दो जिप्सियाँ निकली थी, उसमें से एक जिप्सी फंस गई है यहाँ पे। तो हमने कोशिश करी उसको पहले टो करने के लिए पीछे, बट हुआ क्या कि इसकी टो हुक टूट गई। फिर जब नहीं कोई ये बचा तो मैंने इसको आगे से साइड से क्रॉस करने करके आगे निकल के आगे से टो करने की कोशिश करी, पर यहाँ पे मेरी, अगर आप देखेंगे तो गाड़ी, मेरी गाड़ी भी फंस गई। मेरी गाड़ी एक्चुअली जैकअप हो गई नीचे से, तो इसके डिफरेंशियल लॉक और ये कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और एक स्नो चेन भी टूट गई वहाँ पे, जब जोर लगाया तो एक जो स्नो चेन है वो टूट गई, क्योंकि वही स्नो चेन का मैंने बताया था कि वो चंडीगढ़ से ली थी, तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो खुल गई स्नो चेन यहाँ पे, तो इसके कारण मेरी गाड़ी फंस गई। फिर हमने पीछे से ये दूसरी जो गोरखा है इससे पीछे को खींचा, और अगली गाड़ी को, जिप्सी को, फिर हमने खाली किया इसको पूरा, जो बर्फ़ है इसके नीचे से, ये भी जिप्सी भी जैकअप हो गई थी, तो इसके नीचे से बर्फ़ खाली करके आगे निकाला फिर। तो यही है यहाँ की स्टोरी। हैंड ब्रेक नहीं लगा, ध्यान देना। गियर लीवर ना छोड़ दे बच्चे। आप अपनी गाड़ी पीछे डाल दो, पीछे ले जाना। कैसे लोग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ चलना है, कैसे चलना है, जस्सी में भी बड़े दम है, क्यों नहीं था रहा है, वो भी बड़ा दौड़ा धूपा होता है। देखो पीछे की तरफ,
जाए। ठीक है गाड़ी लुढ़क के कहीं जाएगी नहीं पता। टाइम 5:30 हो गया, एक्चुअली हम लेट हो गए और हमारे साथ फैमिली और बच्चे भी हैं, तो हम लोग अभी से यहीं से वापस हो रहे हैं। अपना आज का स्कूल जो आज का जो टूर प्रोग्राम है वो यहीं पे ख़त्म करके हम वापस होम स्टे के लिए जा रहे हैं। कल हम कीपर इस तरफ जाएंगे, चिचम ब्रिज की तरफ जाएंगे। कल की अपडेट कल। माउंटेन गॉड्स अभी कितना है बाप रे साविल लकी नाइस माउंटेन्स भी उठते थोड़ा सा।